हाँ 1.110 स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन के बाद आज शुरू होगा 1.10.1 दैट इज लिमिटिंग रीएजेंट. तो कॉपी में लिखें पहले विदाउट डूइंग बीइंग एनी स्मार्ट 1.10.1 क्या बोला बता रहे हैं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. लिमिटिंग री एजेंट. चलिए पहला पॉइंट लिखा है कि मेनी ए टाइम कॉमा reactions are carried out with the amounts of reactants that are different than the amounts as required by a balanced chemical reaction full stop chemical reaction. क्या हुआ छोटू तुम लिख नहीं रहा लिखो जल्दी जो नहीं लिखेगा क्लास में नहीं बैठेगा तुरंत हम निकाल देंगे अभी तुरंत. डोंट बी ओवर स्मार्ट दैट विल बी हार्मफुल टू यू. इन सच सिचुएशंस दिया हुआ है कॉमा वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट than the amount required by balanced chemical reaction. Full stop. तीसरा पॉइंट द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीएस्ट अमाउंट gets consumed after some time and after that
एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन does not take place whatever be the amount of the other reactant full stop. लिख लीजिए जल्दी with good handwriting. With good handwriting, write down from your book. लिखते रहिए, हम समझाते, उतना समझने की है. कितना लाइन बचा हुआ है लिखने के लिए? हो गया? ये लिख के वे रख दिए. एक भी अगर लिख के रख दिया तो हम स्टार्ट करेंगे. हम पूछेंगे, पहले सुन लेना है ध्यान से. हाँ, हम पूछते क्या क्या पूछेंगे, पहले अंडरलाइन करेंगे उसको. सेकेंड टाइम में आपको बोलना है. हम पूछेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक टूडे. आपको बोलना है लिमिटिंग रिएजेंट. पहला, जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज द टॉपिक यू हैव डिस्कस टूडे इन द क्लास, आप बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट. कहता है मेनी ए टाइम, बहुत बार की बात है कि रिएक्शंस आर कैरीड आउट, रिएक्शन जो कैरीड आउट होते हैं विथ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. हमेशा रिएक्टेंट में अमाउंट होगा, या तो मोल के रूप में होगा, या मॉलिक्यूल के रूप में होगा, या ग्राम के रूप में होगा, या लीटर के रूप में होगा. अब हम कभी कभी एक आध को नहीं बोलेंगे, तो आपको बोलना है या तो मोल के रूप में होगा, या मॉलिक्यूल के रूप में होगा, या ग्राम के रूप में होगा, या लीटर के रूप में होगा. ए छोटी, बीच में तुमको भी बोलना है, पैसा तुम भी दे रही है, ठीक है? याद नहीं होगा तो फिर हमको मत कहना, ठीक है? और मैनी ए टाइम रिएक्शंस आर कैरीड आउट, मैनी ए टाइम की जब भी, बहुतों बार, जितना बार भी कीजिएगा रिएक्शन, उसमें अमाउंट आपको जरूरी है. बिना अमाउंट का तो कोई रिएक्शन होगा नहीं. लो कैरी आउट, जैसे तुम अभी कैरी आउट कर रहा है, लिख रहा है, उसको काम को आगे बढ़ाना, रिएक्शन को आगे बढ़ाना, समझ गए? तो कैरी आउट, रिएक्टेंट तो आप समझ गए हैं. रिएक्टेंट में अगर डबल हो, एक रिएक्टेंट होता है तो एक रिएजेंट होता है, तो इसीलिए रिएजेंट आया. तो रिएक्टेंट दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड
बाय ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जब भी हम रिएक्शन कोई करेंगे तो उसको सबसे पहले काम मेरा रहेगा क्या चीज करने का, बैलेंस करने का, कहां पर टू लगाना है कहां पर वन लगाना है। ये मीथेन गैस में आप समझ गए हैं दो क्लास में। दूसरा है कि इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन की बात अगर चलेगी, ऐसे सिचुएशन की बात अगर चलेगी तो वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट। एक रिएक्टेंट ऐसा होगा कि हमेशा किस में रहेगा, मोर अमाउंट में रहेगा, देन द अमाउंट रिक्वायर्ड, जितना आपको जरूरत है उससे एक समान आपको हमेशा ज्यादा रहेगा, समझ गए। और बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ज्यादा क्यों रहेगा, शुरू में ज्यादा कम की चर्चा नहीं हो रही थी, अब चूंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट, तो एक को किसी को हमको ज्यादा कहना पड़ेगा और किसी को कम कहना पड़ेगा। तो इस लाइन में बताया कि इसमें से जितना आपको जरूरत है उससे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अभी ज्यादा का चर्चा हो रहा है, अभी किसका चर्चा हो रहा है, ज्यादा का। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि द रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट ही है, रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीएस्ट अमाउंट, मतलब एगो ज्यादा रहेगा तो एगो दूसरा कम रहेगा, एगो जैसे ही ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा कम हो गया, लीएस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड, गेट्स क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड। सबको लगता मारपीट तो नहीं शुरू हो गया, बात समझ गए कि नहीं, इतना ना आप जोश में आ जाते हैं लोग की अगल बगल हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चूंकि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रेन पर जोर ज्यादा पड़ रहा है, हिंदी में रहता तो दाएं बाएं का खेल था, समझ गए कि नहीं। तो द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द कैसा अमाउंट है, तो लीएस्ट अमाउंट है, गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, जब कम रहेगा तो कुछ ही समय बाद क्या होगा हुआ, कुछ ही समय बाद क्या होगा हुआ जब लीएस्ट रहेगा तो खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम का मतलब खपत हो जाएगा, कंज्यूम का मतलब होता है या तो खत्म हो जाना या खपत हो जाना, रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो गया, ऑक्सीजन गैस हम कम लाए वो पहले ही जला के तैयार हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन, आगे का रिएक्शन क्या होगा, डज नॉट टेक प्लेस, उसमें होगा ही नहीं, क्यों, मीथेन रखा रहेगा, ऑक्सीजन है ही नहीं तो जलेगा ही नहीं। वाट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, भले ही मीथेन कितनों आप ला के रखिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा ही नहीं, समझ गए, ठीक है। तो ये था टॉपिक, समझ गया छोटी, समझा दी तुमको कैसे मीथेन जलता है, इधर से हम भी समझा रहे थे उसको, आई भी समझा रही थी उसको, तो दो आदमी लगातार समझा रहे थे, नहीं मैंने वो समझ गई। तो दो, कभी कभी दो आदमी मिल के समझाता है, जैसे आप लोग कभी कभी बातचीत करते हो, तो देखिए कोई भी रिएक्शन में एक कम रहेगा और दूसरा ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा वाला को हम लोग बोलेंगे कौन चीज, मोर अमाउंट, और कम वाला को शुरू। अब क्वेश्चन पहले क्या होगा, पहले पूछेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक टुडे, तो आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शंस जो कैरीड आउट होंगे उसमें किसकी सबसे ज्यादा चर्चा होगी, तो वह चर्चा होगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का चर्चा होगा। कौन से केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। ऐसे सिचुएशन में वन रिएक्टेंट कौन से पोजीशन में रहेगा, मोर अमाउंट में रहेगा हमेशा, लेकिन वह कैसा रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्योंकि बैलेंस जब तक नहीं करेंगे हमको यह नहीं पता चलेगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीएस्ट अमाउंट, लीएस्ट अमाउंट क्या होगा,
तो लीएस्ट अमाउंट वाला ही पहले खपत होगा, उसे हम लोग कंज्यूम कहते हैं। आफ्टर सम टाइम्स फर्दर रिएक्शन क्या होगा, कैन नॉट टेक प्लेस, फर्दर रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। कितनों रहेगा उसे कोई मतलब है ही नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के कमी की वजह से मर रहा है, तो अगर ऑक्सीजन वहाँ कम रहेगा तो आदमी कुछ भी कर लेगा, उसको बचने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज तो आपका क्या हुआ, कम हो गया, समझ गए कि नहीं। और ऑक्सीजन अगर ज़्यादा भी हो गया और व्यक्ति ही कम है, तो आदमी जब नहीं है तो काम कैसे चलेगा। ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन रख ले रहेगा सिलेंडर में, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसी पैटर्न से ये लिमिटिंग रिएजेंट चलता है कि एक कम और दूसरा ज्यादा। तो टॉपिक समझ में आ गया। तो अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का सबसे पहला पॉइंट कि उसमें रिएक्टेंट जो होते हैं, कौन रिएक्टेंट, उसमें रिएक्शन जो होगा केमिकल रिएक्शन, वो बैलेंस होगा कि अनबैलेंस होगा, बैलेंस होगा, वेरी गुड। केमिकली में बैलेंस होगा, जिसमें से एक रिएक्टेंट का पोजीशन क्या होगा, उस ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा बैलेंस रिएक्शन के तहत कि अनबैलेंस रिएक्शन के तहत, बैलेंस, दो बार लिखा है बैलेंस रिएक्शन। और तीसरा पॉइंट में है कि रिएक्टेंट जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा कि मोर अमाउंट में, बताया है एनसीईआरटी। तो लेस वाला पहले कंज्यूम होगा कि मोर वाला पहले कंज्यूम होगा, लेस वाला कंज्यूम होगा। और जब कंज्यूम होना खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन उसके आगे होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बस यही था थ्योरी है। अब हम आगे लिखेंगे। हाँ, आईडी आप लोगों को न्यू जा रही है और आप लोग तैयार रहेंगे न्यू आईडी के लिए पटना कोचिंग के थ्रू। तो अगला टॉपिक है और अगला पॉइंट है, इसमें सेम टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट और नंबरिंग कितना है, फोर, नंबरिंग है फोर। तो आज कोई मेमोरी बेस्ड का काम नहीं था, आज था सिर्फ कंसेप्ट डेवलप करना कि कम क्या होगा ज़्यादा क्या होगा। इसी को कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में लिमिटिंग रिएजेंट। नंबरिंग है आपका 1.10.1। तो पांचवा लिखेंगे हम लोग, चौथा लिखेंगे, वेरी गुड, चौथा लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे कि हेंस कॉमा द रिएक्टेंट कॉमा विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट कॉमा लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज कॉमा देयरफॉर कॉमा कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, फुल स्टॉप। पांचवा पॉइंट, इन परफॉर्मिंग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन
स्टोकियोमेट्रिक मैट्रिक कैलकुलेशंस कॉमा दिस एस्पेक्ट इज ऑल्सो बी कैप्ट इन माइंड। एनसीईआरटी समझाता भी है कि माइंड में रखें, एनसीईआरटी थ्योरी के अलावा माइंड की भी बात करता है कि ऐसा नहीं कि माइंड के बाहर रखें। समझ गए? क्या हुआ छोटू, पानी पी रहा? लिमिटिंग रिएजेंट तुमको लाइन सब समझ में आ रहा है? इसमें कोई चीज गड़बड़ नहीं है, सब सही है? मीनिंग धीरे धीरे समझ में आएगा। तुमने 5 लाख रुपया बचाया है, कोई अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा 3000 रुपया का महीना, LKG में अच्छा बैग जूता पहन के गया, और तुम हिंदी मीडियम में पढ़ा, पहला नंबर, खाना खाया, ड्रेस लिया, साइकिल लिया, और सिर्फ मीडियम के कारण। तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, टेंशन मत लें, क्योंकि जितना आप फायदा लिए हैं उतना थोड़ा बहुत घाटा भी होगा, तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। आपको सिर्फ मीडियम चेंज करना है। अगर मीडियम आप समझ गए तो 5 लाख रुपया आप प्रॉफिट में हैं, अगर नहीं समझ पाए तो 5 लाख आप तो बचाइए लिए पहले। तो हिंदी मीडियम के छात्र टेंशन ना लें, अपने आप को थोड़ा मेहनत करें। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी आप पढ़े ही नहीं, तो नहीं भी समझ में आ रहा था, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। समझ गए? थोड़ी बहुत अगर परेशानी हो रहा है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्यों छोड़ क्यों देगा? अरे थोड़ा बहुत परेशानी है, धीरे धीरे हो जाएगा, वो तो होना ही है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात चल रही है कि हेंस द रिएक्टेंट आपको समझ में आ गया है। इसको अंग्रेजी में समझने के लिए कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। द रिएक्टेंट का मतलब हो गया कि कोई निश्चित रिएक्टेंट की बात चल रही है। विच गेट्स कंज्यूम, जो कंज्यूम होगा, कंज्यूम का मतलब आप समझ गए हैं, खपत हो जाना, माने जल जाना। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन पहले खपत हो जाएगा, मीथेन रहेगा तो वो पहले खपत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या है, पहले कम है। इसके नीचे वाला जो लाइन था वो सबसे कम वाला है, और उसके बाद वाला ये लाइन है, इसीलिए ये लाइन लिखा गया। तीसरा पॉइंट वाला में कम था, उसी को आगे बढ़ाया गया है कि हेंस द रिएक्टेंट्स व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले खत्म होगा, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो पहले खत्म होगा उसी के अनुसार प्रोडक्ट होगा। ज्यादा मीथेन के रहने से काम चलने वाला नहीं है, ऑक्सीजन अब है ही नहीं, 16 ग्राम ही है, तो प्रोडक्ट भी उसी के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया, पहले खत्म हो गया। तो यहां पर जो पहले खपत होगा वही प्रोडक्ट को बताएगा, टॉपिक समझ में आ गया? जो पहले खपत हो जाएगा, अब उसके बाद है ही नहीं ऑक्सीजन, तो मीथेन जलेगा नहीं, और जब जलेगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड आधा हो जाएगा, और वाटर वेपर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। टॉपिक समझ में आ गया? भले ही मीथेन आप कितना ही ग्राम क्यों ना ले आए, फॉर्म्ड प्रोडक्ट फॉर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड इज है, और देयर फोर, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं द लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गए? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब यहां पर रिएक्टेंट है और इसको कहते हैं रिएजेंट, इसको कहते हैं कौन चीज, रिएजेंट, और इधर आके बनता है प्रोडक्ट। समझ गया? इन परफॉर्मिंग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम आपको पढ़ा दिए हैं पहले, कैसे होता है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कि अगर CH4 यहाँ है तो CH4 में कितना मोल ही था, 1 मोल की 2 मोल, हैं गलत हो गया तुम, CH4 जो हम लोग जला रहे थे पिछले क्लास में स्टोकियोमेट्रिक में, ये 1 मोल था कि 2 मोल, और O2 कितना मोल था, 2 मोल, और इधर प्रोडक्ट में CO2 कितना मोल था, 1 मोल,
और वन मोल के लिए यहाँ पर हम वन नहीं लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि यहाँ पर वन से ये गुना होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस वाटर टू एच टू, यही रिएक्शन आपको टोटल कॉन्सेप्ट आपको दे देगा। बाद में किसी भी प्रकार के रिएक्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये आधा हो गया तो इसके भी आधा ही जला पाएगा, ये अगर पहले आधा हो गया तो ये ऑक्सीजन कितना भी रहेगा, मीथेन जब जलने वाला ही चीज़ खत्म हो गया तो इसी के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा, जो पहले खत्म हो गया उसी के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों का रेशियो मिलेगा नहीं तब तक वो दोनों बनेगा नहीं, समझ गए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कम लाए तो ऑक्सीजन के अनुसार बनेगा, मीथेन गैस कम लाए तो मीथेन गैस कम के अनुसार बनेगा, समझ गए, क्योंकि दोनों का रेशियो ये चलेगा 16 ग्राम और ये चलेगा 64 ग्राम, माने चार गुना लाना पड़ेगा। ये अगर एक ग्राम लाएंगे तो ये कितना ग्राम लाना पड़ेगा, चार ग्राम। ये अगर दो ग्राम लाएंगे तो ये कितना ग्राम लगाना पड़ेगा, आठ ग्राम। इस रेशियो में लाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकते। तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इतना सिर्फ याद करना है आज कितना याद करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको तोड़ देते हैं, और सिर्फ एक लड़की है जिसको हमको याद कराना। हाँ, यहाँ पर चार लिखेंगे तो चार मोल हो जाएगा, यहाँ आठ में लिखेंगे तो आठ मोल हो जाएगा। बैलेंस करेंगे, बैलेंस के अनुसार बैलेंस का लिखेंगे तो हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिख दें बिना किसी के, यहाँ पर हम लिख दें 2CO2 तो इसका मतलब समझ जाना ही 2 मोलिक्यूल, और ग्राम में इसको 2 से गुना कर देंगे और लीटर में भी गुना कर देंगे। टॉपिक समझ में आ गया, क्या बोले, जैसे अगर यह 1 मोल रहेगा तो हमेशा 22.4 लीटर होगा। क्यों होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP पर देखा गया कि कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है 22.4 लीटर ही, भले ही H2 हो CO2 हो, कोई भी गैस हो, कोई भी मीथेन इथेन ब्रोमेन प्रोपेन ब्यूटेन कोई भी गैस दुनिया का, सभी 1 मोल रहेंगे कितना लीटर, 22.4 लीटर, और उसमें टेम्परेचर फिक्स रहता है 0 डिग्री। अब क्या हुआ कि भारत में तो सब जगह अलग अलग टेम्परेचर है, इस रूम का टेम्परेचर कम है, इस रूम से बाहर निकलेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ AC लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ है तो वहाँ टेम्परेचर कम है, चेन्नई में पहाड़ कम है समुद्री इलाका है तो वहाँ टेम्परेचर अलग है। तो पहले किया गया था अलग अलग कुछ किया गया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो जाता था, तब फिक्स कर दिया पूरे विश्व में कि नहीं, सिर्फ रहेगा किसी भी लड़का को बनाना है क्वेश्चन तो कितना पर बनाना है, 22.4 लीटर पर ही बनाना है, आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो यही याद रखना, टॉपिक समझ गए कि H2 गैस रहे O2 गैस रहे 22.4 लीटर तब तक रहेगा जब तक यह 1 मोल रहेगा, जैसे ही यहाँ 2 लगाएंगे तो ये दुगना हो जाएगा, अगर यहाँ 1.5 लगाएंगे तो 1.5 गुना हो जाएगा। टॉपिक समझ गए, 1.5 लगाएंगे 1.5 गुना हो जाएगा, 2 लगाएंगे 2 गुना हो जाएगा। इसीलिए पहला लाइन को हम 2 क्लास में याद कराए कि वो टॉपिक अगर याद रहेगा, मोल मॉलिक्यूल ग्राम और लीटर, चारों अगर याद रहेगा तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन याद करने के लिए तैयार हैं, चलिए। तो इसमें इसको हमको क्या करना है, हाँ पूछते, अंडरलाइन करना है। पहला देखो ध्यान से, सभी को एक ई डिफिनेशन याद करना है, एवरी स्टूडेंट शुड रिमेम्बर एंड मेमोराइज। पहला द रिएक्टेंट, हम पूछेंगे ए लड़का व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, पहला बोलेंगे द रिएक्टेंट, दूसरा बोलेंगे व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, यहाँ तक बोलेंगे,
हम तोड़ देते हैं ताकि याद करने में सुविधा हो, अगर एक लाइन भी याद करने में दिक्कत है तो बहुत खतरनाक है। तीसरा, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये होगा तीसरा, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्म तक कर देते हैं, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयर फोर, ये हो जाएगा चौथा और ये हो जाएगा पांचवा, पांचवा हो जाएगा। तो चलिए, पहला व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, पहला बोलिए द द रिएक्टेंट, आगे नहीं बढ़िए, आगे नहीं बढ़िए, नहीं तो गड़बड़ हो जाओ, आगे मत बढ़िए। पहला द रिएक्टेंट, दूसरा विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, तीसरा लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, चौथा एंड इज देयर फोर, और पांचवा कॉल द लिमिटिंग रिएजेंट। बस इतना ही याद करना है, पहला द रिएक्टेंट, दूसरा विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, तीसरा लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, चौथा एंड इज देयर फोर कॉल्ड द लिमिटिंग रीएजेंट, द लिमिटिंग रीएजेंट। पहला बोलिए, पहला, पहला पीछे से खड़ा हो जाओ छोटू, नहीं पहला, पहला पीछे से खड़ा हो जाओ, लेट मत करो, विदाउट डूइंग एनी लेट खड़ा हो जाओ। चलो खड़ा हो जाओ पीछे। लिमिटिंग रिएजेंट का पहला बोलो, पहला, पहला सिर्फ बोलना है तो नहीं याद हुआ, पहला में क्या वर्ड लिखा हुआ था, नहीं लिमिटिंग रिएजेंट के बाद, हैंस के बाद द रिएक्टेंट, बैठो। चलो दूसरा बोलो, खड़ा होते जाओ जल्दी जल्दी, दूसरा विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, बैठो बैठो बैठो, तीसरा बोलो अमाउंट, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाओ, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, बैठो। चौथा एंड इज देयर फोर, बैठो ठीक है बैठो। चलो पहला बोलो द रिएक्टेंट, बैठो विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, चलो तीसरा बोलो छोटू, गलत हो गया, खड़े रहो, चलो तुम बोलो तीसरा, देख के नहीं बोलना, चलो बोलो, चलो तुम बोलो छोटू, तीसरा, तीसरा जल्दी बोलो, गलत है, जल्दी तीनों याद करो, चलो बोलो तीसरा, तीसरा बोलो क्या चीज, तीसरा, चलो खड़ा हो जाओ छोटू, हाँ लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं गलत, चलो तुम बोलो छोटू, नहीं याद हुआ, मैट्रिक पास किया ना तुमने, चलो चलो छोटू तुम बोलो, हाँ लिमिट द अमाउंट, लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, चलो बैठो, चलो बोलो छोटी, पांचवा नहीं, हाँ हाँ बैठो, चलो पहला बोलो, हाँ बोलो, चलो तुम बोलो दूसरा, विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, बैठो तीसरा, हाँ लिमिट, ए छोटू लिमिट द अमाउंट फॉर्म्ड, बैठो चौथा, हाँ पहला रिएक्टेंट, दूसरा
हाँ दूसरा 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 बोलो जल्दी। हाँ ठीक है, तीसरा बोलो। हाँ लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। पांच चौथा लिमिटिंग रीजन। चलो छोटू तुम पूरा परिभाषा सुना देगा, पूरा सुना देगा, बैठ जाओ तुम लोग बैठो। हाँ पूरा परिभाषा सुना देगा, बोलो आधा सुनाओ। हेंस द रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड विथ फर्स्ट। बैठो तुम बोलो, शुरू से बोलो, कुछ हो तो बोलेगा ना भाई, बोल। तो अगले क्लास में कंप्लीट डिफिनेशन आप लोगों को सुनाना है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा को मिलाकर प्रयास करना है कि सेंटेंस को कंपोज करें ब्रेन में और उसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, वेरी गुड।